राकेश जी, पहले जो वीडियो पहली हमने बनाई है तो उसमें से मेरे एक दो सवाल हैं राकेश जी, कि लोक स्मृतियों की आपने बात की है कि लोक स्मृतियों में जो इतिहास कुछ बताया जाता है वो लोक स्मृतियों में नहीं मिलता है। तो लोक स्मृतियाँ तो शायद लिखी नहीं रहती हैं, तो उनका महत्व बिना लिखे क्या प्रमाणिक माना जा सकता है? क्या इसका भी कुछ इतिहास है क्या? देखिए, वास्तविक इतिहास की खोज बिना लोक स्मृतियों के पूरी होती नहीं है, क्योंकि हम अपने अतीत को कैसे जाने और हम क्यों जानना चाहते हैं, ये सारे सवाल हमारे मनुष्य के विकास से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है कि हमारा विकास ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि हम केवल वर्तमान नहीं होते, हम अतीत भी होते हैं और भविष्य भी होते हैं। तो जब हम अतीत होते हैं तो हम अपने इतिहास को याद करते हैं। तो हर बच्चा अपनी नेचुरल फॉर्म में अपने इतिहास को जानना चाहता है, चाहे वो परिवार के इतिहास के रूप में शुरू होती हो तो बात, या जाति के इतिहास के रूप में बात शुरू होती हो, या अपने गांव के इतिहास के बात शुरू होती हो, और इस जानने की प्रक्रिया का समाधान उसके पूर्वज करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बातें हस्तांतरित होती हैं और ये एक दीर्घकालिक तंत्र विकसित हो जाता है। ये भी बात ठीक है कि इसमें कुछ कल्पनाएं, कुछ अतिशयोक्तियां विभिन्न कालों में मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक यथार्थ का चित्रण, एक यथार्थ घटनाक्रम की याद वो मौजूद रहती है। अब हमारे किसी भी समाज के इतिहास में पहले भाषा आती है, फिर लिखना आता है, पहले बोली आती है, कुछ शब्द आते हैं, फिर लिखना आता है। तो जब लेखन शुरू होता है तब वो समाज अपनी सारी पुरानी स्मृतियों को लिखने का प्रयास करता है। उससे पहले तो करता नहीं, और जो लिखने का प्रयास करते हैं उस समाज के, क्या वो पूरे समाज का प्रतिचित्रण कर देते हैं? ये भी सवाल होता है। तो वो भी जितनी उनकी स्मृतियों में चीजें हैं उतना ही प्रतिचित्रण करते हैं, तो वो उसकी सीमितता हो जाती है। तो इस प्रकार से लोक स्मृति जो है उसके द्वारा इतिहास की धारा आगे बढ़ती जाती है निरंतर। अब हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हमारे यहाँ जिस इतिहास की बात होती है वो अंग्रेजों द्वारा शुरू करा गया है। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी लोक स्मृति बिल्कुल गलत, जबकि अगर यूनान के इतिहास की बात देखी जाए तो वो यूनान का इतिहास लिखते वक्त यूनान में जो मिथक हैं और लोक स्मृतियां हैं उनका सहारा लेते हैं और उन्हीं के आधार पर इतिहास खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश में ये बात कह दी जाती है कि लोक स्मृति से कोई मतलब नहीं है इतिहास का। तो ये भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो वास्तविक इतिहास नहीं है। लेकिन फिर भी जो सत्य का शोध करना है, सत्य को जानना है, तो उसके लिए कोई एक ही तरीका कामयाब नहीं होता है। हम बहुत से उससे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन हुआ है, और जैन दर्शन जो है उसमें स्यातवाद ये बताता है कि सब अपने आंशिक सत्यों को जानते हैं, उन आंशिक सत्यों को मिला के एक सत्य का निर्माण हम करने की कोशिश करते हैं। वो भी पूरा है या नहीं ये नहीं कह सकते। तो उसी तरह से इतिहास अगर आज हम लिखेंगे तो उसके अनुसंधान का क्षेत्र बहुत सारा होगा, जिसमें एक क्षेत्र लोक स्मृति भी होगा
और दूसरा क्षेत्र जो है वो पुरातत्व के अनुसंधान भी होंगे कि पुरातत्व की खोजों से हमें क्या चीज़ें हासिल हो रही हैं। तीसरा हमारा भारतीय वाङ्मय भी होंगे जो कुछ लिखा गया, यानी उसी इतिहास के बारे में अगर 1000 साल बाद भी कुछ लिखा गया तो उसमें कुछ सत्य है, तो तीसरा क्षेत्र वो होगा। इसी तरह से जो और आसपास की संस्कृतियाँ हैं उनके इतिहास में हमारे इतिहास की कुछ झलक जुड़ती है तो वो भी होगा। तो बहुत से क्षेत्रों पे चिंतन करते हुए हम अपने इतिहास का सत्य शोध कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि ब्रिटिशिस्ट के लिखे हुए इतिहास के जो पैरामीटर्स हैं उसके चारों तरफ हम चक्कर लगाते रहें और पीएचडी पे पीएचडी लिखते चले जाएं और उन्हीं बातों को किसी न किसी रूप में कहते चले जाएं, ये कोई शोध और अनुसंधान नहीं। तो मेरा मानना ये है कि लोक स्मृतियों का संकलन एक बहुत बड़ी आवश्यकता है भारतीय इतिहास को जानने के लिए। और ये लोक स्मृतियों का मतलब केवल अतीत के उस काल से नहीं है जो बहुत पहले गुजर चुका, लेकिन हमारे पास का भी कुछ पुराना काल है तो उसका वर्णन भी लोक स्मृति में ज़्यादा जीवंत रूप से मौजूद है। तो हमें तो पूरा इतिहास लिखना है, तो लोक स्मृति कितनी दूर तक जाती है वहाँ तक उस इतिहास में उस सत्य की खोज में हमारे लिए मददगार हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे चलना है, इस तरह से नहीं चलना कि हम जो है ऐसे ही बात को मिथक बना के मिथक को मिथक छोड़ दें। अगर हम महिषासुर और दुर्गा के संग्राम की स्तुति पढ़ते हैं, महिषासुर मर्दनी उसे कहते हैं, तो हम अगर रांची के आसपास के एरिया में पहुँचते हैं झारखंड में तो वहाँ की स्मृतियों में ये बात मौजूद है कि भाई इस पहाड़ पे ही लड़ाई हुई थी, इस पहाड़ पे मारा गया महिषासुर को दुर्गा के द्वारा, और चूंकि दुर्गा उनकी नायिका है इसलिए लोक स्मृति के द्वारा उन्होंने आज तक उस बात को जिंदा रखा। तो अब इसका एक इतिहास की वास्तविकता हो गई और इस इतिहास की वास्तविकता का अनुसंधान हम और भी क्षेत्रों से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये नकार जो है ये नकार हमें गुलामी से मिलती है, जो हम पे गुलामी ला दी गई उससे हमें नकार मिल जाती है कि हमारा कुछ भी सही नहीं है, हमारी लोक स्मृति भी सही नहीं है, हमारी यादें भी सही नहीं है, हमारी बातें भी सही नहीं है, सब कुछ वो नया बताएंगे और जो बताएंगे उन्हें ग्रहण करना। तो इस तरह हम चलेंगे लोक स्मृति के सहारे। जी ठीक।